गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम जो क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं वो हैं आपके चैप्टर द फन दी हैट क्लास नाइन्थ, और जो लिखा है जिनको लिखा है आइज़ैक एसिमोव ने। तो स्टूडेंट्स, फन दी हैट जो लेसन है उसमें अगर आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं, ये टॉमी है, ये मार्जी है, और ये टॉमी पुरानी तरह के स्कूलों के बारे में उसको बता रहे हैं किस तरह के स्कूल होते थे इस बुक को पढ़कर। इन दोनों ने तो आज से पहले कभी भी बुक नहीं देखी थी। मैंने पहले ही बताया था आपको जब लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन की थी कि ये बहुत पुराने समय की बुक है, और ये जिस टाइम में है ये फ्यूचर का स्कूल है। फ्यूचर के स्कूल में ऑथर जो हैं वो ये इमेजिन कर रहे हैं कि शायद फ्यूचर में बुक्स ना हों, ओनली कंप्यूटर के थ्रू बच्चे पढ़ें। तो ये क्या यहाँ सोच रही है, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि किस तरह के अच्छे फन करते होंगे वो बच्चे। एक टीचर होता होगा, सारे पढ़ते होंगे, एक दूसरे से मजाक करते होंगे, एक दूसरे के होमवर्क में हेल्प करते होंगे, इकट्ठे स्कूल जाते होंगे, इकट्ठे आते होंगे। तो ये सोच रही है कितना फ़न करते होंगे वो, लेकिन हमारे पास ये फ़न करने का मौका नहीं है क्योंकि हम तो कंप्यूटर से वन टू वन, यानी एक कंप्यूटर होता है, एक सामने हम बैठते हैं और हमारी कोई भी इंट्रैक्शन नहीं हो पाती। तो इस बात को सोच के वो एक तरह से अंदाजा लगाते कितना इंजॉय करते होंगे बच्चे। स्टूडेंट्स, आगे इसमें बताया गया है, जैसे यहाँ मार्जी की पिक्चर दिखाई गई है कि देखिए कैसे कितने जो कंप्यूटर की आइटम्स हैं, कंप्यूटर के जो डिवाइसेस हैं वो सामने नज़र आ रही हैं, या जैसे रोबोट नज़र आ रहा है, ये इसकी चेयर पे भी कितने बटन्स हैं जिनको वो ऑपरेट कर सकती है हेडफोन लगाकर, और ये सामने स्क्रीन है, ये कीबोर्ड है, ये इंटरेक्ट करके स्टडी कर रही है कंप्यूटर पे, ना कि आज जैसे क्लासरूम हैं वैसे नहीं कर रही। तो ये वर्चुअल क्लासरूम जहाँ पे टीचर और टॉट आमने सामने ना हो उसको बोलते हैं वर्चुअल क्लासरूम, यानी ऑनलाइन पढ़ाई करने के बारे को वर्चुअल कहा जाता है। जैसे कई बार हम ऑनलाइन स्टडी करते हैं, टीचर कहीं और बैठा होता है और हम कहीं और बैठे होते हैं और हम उससे एजुकेशन प्राप्त कर रहे होते हैं। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के थ्रू लर्निंग प्राप्त करना, देख पा रहे हैं कंप्यूटर से स्टडी कर रहे हैं। और रोबोटिक टीचर की परिकल्पना की गई है कि ऐसा हो सकता है, यानी ऑथर ने। और मूविंग टेक्स्ट, ऐसा टेक्स्ट जो मूव करता है, जैसे हम किताबों में पढ़ते हैं टेक्स्ट होता है जो लिखे हुए शब्द होते हैं, लेकिन इसमें जो टेक्स्ट है वो मूव करता रहता है, कभी दाएं बाएं, कभी ऊपर या नीचे मूव करता है, और जो सामने वाला अपनी स्पीड के हिसाब से उसको पढ़ता रहता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, जैसे हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी, टॉमी और मार्जी की आयु क्या है, उम्र क्या है, वो कहते हैं मार्जी इज़ 11 ईयर्स। मार्जी की एज क्या है, 11 ईयर्स, और टॉमी की एज है 13 ईयर्स। तो उनकी एज हमेशा नॉर्मली आपको पेपर में जरूर आती है क्या एज है। व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी, अपनी डायरी में क्या लिखती है, डायरी मतलब जिसमें हम अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज लिखते हैं। तो क्या लिखती है मार्जी, कि टू मार्जी राइट्स इन हर डायरी, मार्जी लिखती है, राइट्स मतलब लिखती है अपनी डायरी में, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। स्टूडेंट्स, वो कहती है कि टॉमी ने आज असली बुक, टॉमी को असली बुक मिली। तो स्टूडेंट, आप साथ ही साथ भी इसको लिख सकते हैं क्वेश्चन आंसर को, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में और आपके ग्रुप्स में तो आपको मिल ही जाएगा। तो हमने यहाँ दो क्वेश्चन पढ़े कि मार्जी की एज कितनी है, 11 ईयर्स, टॉमी की एज कितनी है, 13 ईयर्स। और मार्जी अपनी डायरी में क्या लिखती है, वो लिखती है कि टॉमी को आज असली बुक मिली। तो यहाँ पर असली बुक का क्या मतलब है, रियल बुक का क्या मतलब है, क्योंकि इन दोनों ने बुक्स देखी नहीं है। अब क्योंकि ये जो स्टोरी है, जो लेसन है, ये फ्यूचर में स्थित है, फ्यूचर की बात की जा रही है, तो उनको दोनों को बुक्स देखने को नहीं मिलती, लेकिन एक दिन टॉमी को बुक मिल जाती है। हैड मार्जी एवर सीन अ बुक बिफोर, क्या मार्जी ने इससे पहले कभी बुक देखी थी, तो आपको पता ही है कि इसने आज से पहले बुक नहीं देखी थी। बट हर ग्रैंडफादर हैड टोल्ड हर अबाउट बुक्स, लेकिन उसके दादाजी ने बुक्स के बारे में बताया था कि किस तरह की बुक्स होती थी। तो मार्जी ने आज से पहले कभी भी बुक नहीं देखी थी। अगर हम आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू थिंक अ टैली बुक इज, टैली बुक, बुक का तो आपको पता ही है, लेकिन टैली बुक मतलब जो हमें टैली यानी दूर से प्राप्त हो। अ टैली बुक कैन बी एन ऑनलाइन बुक,
विच कैन बी ब्राउज्ड यूजिंग इंटरनेट। टैली बुक कौन सी बुक हो सकती है? ऑनलाइन। अब ये टर्म्स तो आपके लिए बिल्कुल कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। ऑनलाइन मतलब इंटरनेट के थ्रू जो हमें बुक्स मिले ऑनलाइन, उसको टैली बुक बोलते हैं, जिसको ब्राउज किया जा सकता है। ब्राउज मतलब उसको उसमें सर्च किया जा सकता है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो भी मटेरियल चाहिए उसको देखा जा सकता है, जैसे इंटरनेट पे हम सर्च करते हैं कुछ ना कुछ, यूजिंग इंटरनेट, इंटरनेट का यूज़ करते हुए। तो टैली बुक क्या हो गई? ऐसी बुक जो कि हमें ऑनलाइन मिलती है और जिसको हम सर्च कर सकते हैं, जिसको हम ढूंढ सकते हैं इंटरनेट के कनेक्शन के थ्रू ऑनलाइन। और इट कैन बी डिस्प्लेड ऑन टीवी स्क्रीन, इट कैन बी डिस्प्लेड ऑन वर्ड ऐड कर लीजिएगा यहाँ पे, और इट कैन बी डिस्प्लेड ऑन द टीवी स्क्रीन, और एक टीवी की स्क्रीन पे भी देखी जा सकती है। यानी जो हम कंप्यूटर के थ्रू, टीवी स्क्रीन के थ्रू जो टेक्स्ट देख सकते हैं, जो बुक देख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? टैली बुक। वेयर वॉज मार्जी स्कूल? डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स? तो मार्जी का स्कूल कहाँ पर था? क्या उसके कोई सहपाठी थे? क्लासमेट्स मतलब सहपाठी। मार्जी स्टडीड इन वर्चुअल क्लासरूम इन हर हाउस। तो मार्जी कहाँ पढ़ती थी? वर्चुअल क्लासरूम। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं दोबारा कि वर्चुअल क्या होता है। वर्चुअल स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि टीचर और टॉट आमने सामने फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते, उसको वर्चुअल क्लासरूम बोलते हैं। मैं अगर छोटा सा एग्जांपल दूं कि इस समय अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो मैं यहाँ बैठा हूँ, आप इतनी दूर कहीं और से बैठ के देख रहे हैं, तो वो हो गया वर्चुअल। यानी जहाँ टीचर और टॉट यानी शिक्षक और शिष्य आमने सामने ना हो लेकिन फिर भी वो इंटरेक्ट कर पा रहे हों तो उसको बोलते हैं, यानी बातचीत कर पा रहे हों, क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल क्लासरूम। यानी फिजिकल प्रेजेंस होना दोनों की जरूरी नहीं है। तो मार्जी अपने घर में ही पढ़ती थी, किसके थ्रू? वर्चुअल क्लासरूम, जो हमने पिक्चर देखी है पीछे, अभी आगे भी देखेंगे उसको, कि जिसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं, कंप्यूटर, इंटरनेट, हेडफोन, कीबोर्ड, माउस, हर स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन, हर चीज़ अवेलेबल है और उससे वो स्टडी करती है। देयर वर नो क्लासमेट्स, उसके कोई भी सहपाठी नहीं है। क्लासमेट्स मतलब सहपाठी, जो सेम क्लास में पढ़ते हैं। एंड चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल एंड इंटरेक्ट विद टीचर्स इन क्लासरूम। तो बच्चे ना तो स्कूल जाते थे और ना ही वो अपने टीचर से इंटरेक्ट करते थे, वार्तालाप करते थे, प्रश्न उत्तर पूछ सकते थे फिजिकली आमने सामने। तो वो इस तरह के स्कूल में पढ़ती है। तो मैं फिर एक बार बता देता हूँ कि मार्जी वर्चुअल क्लासरूम में पढ़ती है, यानी ऐसे क्लासरूम में जहाँ टीचर और टॉट का दोनों का इकट्ठे एक साथ प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है, फिर भी वो स्टडी कर पाते हैं दूर से। लेकिन वर्चुअल का यहाँ पे है कि टीचर का स्थान किसने ले लिया है इनके लिए, मार्जी और टॉमी के लिए? कंप्यूटर ने। उनके ना तो कोई क्लासमेट हैं और ना ही कोई उनके, वो स्कूल जाते हैं और वो अपनी असाइनमेंट्स क्या करते हैं, एकदम साथ की साथ क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे सबमिट कर देते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्जी एंड टॉमी हैव। ये तो हमने देख लिया कि ना तो वो स्कूल जाते हैं, ना तो उनके कोई क्लासमेट्स हैं, तो टॉमी और मार्जी का स्कूल कैसे हैं, कौन से हैं उनके टीचर? ये पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है आपको। मार्जी एंड टॉमी स्टडी थ्रू कंप्यूटर्स, वो किसके थ्रू पढ़ते हैं? कंप्यूटर्स के। अगर आपको इसमें डिफ़िकल्टी हो जैसे वर्चुअल क्लासरूम और अदर जो टर्म्स हैं, तो ये सिंपल टर्म्स आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। कंप्यूटर्स आप कह सकते हैं कि मार्जी और टॉमी किसके थ्रू पढ़ते हैं? कंप्यूटर के थ्रू। उनको कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है वो नहीं पढ़ाता, कंप्यूटर्स के थ्रू वो पढ़ते हैं। द कंप्यूटर इज़ प्रोग्राम्ड, जो कंप्यूटर है उसको प्रोग्राम किया जाता है, उसको इस तरह से उसमें डाटा डाला जाता है, इस तरह से प्रोग्राम बनाया जाता है उसके अंदर, इस तरह का सॉफ्टवेयर सेट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द एज एंड लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चों की उम्र और उनके लेवल, कि उनको कितना आता है, कौन सी क्लास तक का आता है, उसके हिसाब से वो कंप्यूटर को सेट कर देते हैं। द मटीरियल इज इंटरेक्टिव, मटीरियल कौन सा होता है? इंटरेक्टिव होता है। और चिल्ड्रंस इंटरेक्टिव क्या होता है? जब हम उसको, यानी टीचर पढ़ा रहा है, यानी कंप्यूटर पर वो पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते कोई टर्म्स नहीं समझ आ रही, कुछ नहीं आ रही, तो स्टूडेंट उसको देख सकते हैं, उससे उसके बारे में बात कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मान लो आप जैसे ये टेक्स्ट पढ़ रहे हैं सामने, मान लो कोई टर्म्स ऐसी आ गई जो आपको समझ नहीं आई, जैसे इंटरेक्टिव, तो उसमें क्या होता है
इंटरेक्टिव के ऊपर ही क्लिक करो तो इंटरेक्टिव के बारे में और आगे आपको वर्ड के बारे में बता देगा। यानी इंटरेक्टिव होता है जहाँ भी आपको दिक्कत हो वहाँ पे आप हेल्प ले सकते हैं, इसका मतलब इंटरेक्टिव होता है। और उधर से चिल्ड्रन भी इसमें अपनी सब असाइनमेंट, अपना होमवर्क, अपना वर्क जो कंप्यूटर टीचर स्टेप बाय स्टेप उनको देता है वो काम वो सबमिट कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। कैसे? मान लो कंप्यूटर पे आपने कोई लेसन पढ़ा और लेसन पढ़ के आपने आपको उसने टेस्ट दिया लास्ट में, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो मान लो 50 क्वेश्चन है वहीं से आपकी जो आंसर है वो ले लेगा और आपको साथ के साथ उसका रिजल्ट भी दे देगा कि 50 में से आपने कितने क्वेश्चंस ठीक किए, एंड गेट इंस्टेंट रिजल्ट ऑफ देयर वर्क। और बच्चे क्या कर सकते थे उसमें साथ के साथ अपने अपने वर्क का रिजल्ट ले सकते थे। तो मैं एक बार फिर रिपीट करूँगा कि टॉमी और मार्जी के टीचर्स कैसे हैं, तो उसके टीचर कौन हैं? कंप्यूटर्स हैं। कंप्यूटर का प्रोग्राम ऐसे बनाया जाता है जो कि उनकी बच्चों की एज और उनके लर्निंग लेवल की कितना उनको आता है, कितने क्लास तक की पढ़ाई उनको आती है, उस हिसाब से कंप्यूटर को प्रोग्राम को सेट कर किया जाता है। कंप्यूटर में क्वेश्चन आंसर और उसके पार्ट इस तरीके से डाले जाते हैं ताकि बच्चों की एज और उनके लेवल के बराबर हों। द मटीरियल इज़ इंटरेक्टिव, मटीरियल इंटरेक्टिव होता है, क्यों? बच्चे अपना काम जमा करा सकते हैं और जो कंप्यूटर है उनका रिजल्ट साथ के साथ दे देता है। स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं, हम इसको ध्यान से देखें तो ये मार्जी नज़र आ रही है, इसमें इसने हेडफोन लगा रखा है, ये कीबोर्ड के ऊपर इसका हाथ है, ये कंप्यूटर स्क्रीन इसके सामने, और डिफरेंट डिवाइसेस देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये भी एक स्क्रीन है, ये सिग्नल के लिए इन्होंने कुछ इंटरनेट के लिए रख रखा है, और ये कैमरा है इधर, और हेडफोन, ये डिफरेंट लैपटॉप डिफरेंट थिंग्स हैं, और ये रोबोट छोटा सा, और ये सीडीज, ये इस तरीके के क्लासरूम जो ऑथर हैं आइजैक एसिमोव वो इमेजिन कर रहे हैं कि इस तरह के क्लासरूम हो सकते हैं। मैं एक एग्जांपल फिर दोबारा दूं आपको, अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें जब छोटे होते थे, बहुत पुराने पहले की बात होती है कि वो तख्तियाँ होती थी लिखने के लिए, लेकिन अगर आज हम किसी छोटे बच्चे से पूछे भी तख्ती क्या होती है, क्या उसके ऊपर लिखते हैं, तो बिलीव ही नहीं कर पाएगा। तो ये ऑथर ने एक इमेजिनेशन की है कि फ्यूचर में जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है इस तरह के क्लासरूम हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज, तो बुक के बारे में वो क्या चीज़ स्ट्रेंज पाती है, क्या अजीब लगता है हम दोनों को उस बुक के बारे में, क्योंकि टॉमी और मार्जी ने तो बुक देखी नहीं है, जो चीज़ हमने कभी देखी नहीं होती तो हमें अजीब लगती है और हम हैरान होते हैं। टॉमी एंड मार्जी से फाइंड बुक से एक वर्ड आप काट देंगे, टॉमी एंड मार्जी फाइंड बुक्स स्ट्रेंज बिकॉज बुक्स बिकम यूजलेस आफ्टर यूज, तो उनको बुक्स बड़ी अजीब लगती हैं, उनको बड़ी अजीब तरीके से पाते हैं वो कि अजीब चीज़ है बुक्स, क्योंकि बुक्स जब यूज़ हो जाती है तो वो ख़राब किसी काम की नहीं रहती। देखो अपनी अप्रोच की बात है कि बुक्स को संभाल के रखते हैं, नॉर्मली हम मान लो किसी क्लास में पढ़ रहे हैं तो अगर आप अच्छी स्टडी करते हैं तो कई बार वो बुक दोबारा कंसल्ट करनी पड़ जाती है, अगर नहीं कंसल्ट करते वो वैसे ही पड़ी रहती है, तो वो कहते हैं कि तो बुक एक बार यूज़ होगी तो वो तो बेकार हो गई। टेक्स्ट स्टॉप्स ऑन द बुक्स वेयर एज टेक्स्ट चेंजेस ऑन देयर कंप्यूटर स्क्रीन, कहता है कि उनकी जो बुक्स है उसमें तो टेक्स्ट ऐसा नज़र आ रहा है कि रुका हुआ है एक जगह पे, और हमारे कंप्यूटर पे तो टेक्स्ट है जो लिखा हुआ शब्द है वो तो चलते जाते हैं आगे आगे, रुकते नहीं हैं। तो उनको बड़ा अजीब लगता है कि जब वो बुक की तरफ देखते हैं कि जिसमें सारे शब्द खड़े रहते हैं। तो अगर हम इसका एग्जांपल लें कि मान लो कोई ऐसा हो जो कंप्यूटर का नॉलेज ना हो और उसको कंप्यूटर पे काम करने को कहा जाए, उसको भी अजीब सा लगेगा एकदम से। इसी तरह बच्चों को भी इनको अजीब लग रहा है कि जो ये बुक है ये कैसी बुक्स हैं। बुक हैड लिमिटेड पेजेस वेयर एज कंप्यूटर हैड अनलिमिटेड पेजेस ऑन इट, बुक के पास तो मान लो 500 पेजेस की है या 100 पेज की है उतने ही है, लेकिन कहते हैं कंप्यूटर पे तो अनलिमिटेड पेज हैं जिनका कोई अंत ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये जो लेसन है वो समझ में आया है, क्योंकि इसमें जो फ्यूचर की परिकल्पना की गई है कि किस तरह से फ्यूचर में इंटरैक्टिव क्लासरूम्स, वर्चुअल क्लासरूम जिसमें स्टूडेंट्स दूर से बैठकर स्टडी कर सकते हैं, ऐसे क्लासरूम फ्यूचर में हो सकते हैं। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया है, और कोई भी क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं, मैंने इसके जो ये क्वेश्चन आंसर हैं आपको सभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपके ग्रुप्स में भी मिल जाएंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।